इस लेसन में मैं आपको व्हाइल लूप वर्सेस इफ स्टेटमेंट बताऊंगी कि व्हाइल लूप और इफ स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले ये छोटी सी प्रोग्रामिंग मैंने इफ के लिए, इफ स्टेटमेंट के लिए बनाई है, और मैंने यहाँ लिखा है कि इफ स्टेटमेंट हमें रिजल्ट देता है 1, 0 या 1 टाइम। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है, देखिए ये जो मैंने एग्जाम्पल बनाई है, ये हमारा कैनवस है सपोज, और इसका साइज है 500 बाय 400, यानी इसकी विड्थ 500 है इस केस में और 400 इसकी हाइट है। तो मैंने कहा इफ माउस एक्स इज ग्रेटर देन 250, सो इसका 250 पिक्सल जो है वो सेंटर में आएगा। जैसे ही मैं अपना माउस मूव करूंगी ये, और माउस मेरा इस पोर्शन में आया जो कि ग्रेटर देन है 250 से, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और कलर क्या हो जाएगा? जो मैंने लिखा है बैकग्राउंड में, ये कॉम्बिनेशन है रेड ग्रीन एंड ब्लू का। और जब 250 से कम होगा तो इसका कलर हो जाएगा, जो यहाँ मैंने दिया हुआ है बैकग्राउंड 100, ये ग्रेश टाइप हो जाएगा। आप इसको, ये वैल्यूज चेंज करके भी डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट आपको एक, देखिए यहाँ रिजल्ट देगा कि माउस इज ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर है, अगर ये कंडीशन जो पेरेंथेसिस में लिखी है ये ट्रू है तो एक काम हो जाए, अदरवाइज दूसरा हो जाए, राइट। इसको हम रन करते हैं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसको मैं रन करती हूँ, ये सेम प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ लिखी है, और यहाँ मैं इसलिए एनलार्ज करके लिखती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, मेरा इस वक्त कर्सर यहाँ है, लेस देन 250, और ये लाइन भी मैंने ड्रॉ की है इस लाइन कमांड से यहाँ पे, इसलिए कि ये 250 को शो करे कि ये हाफ में डिवाइड हो गया। जैसे ही मेरा माउस यहाँ आएगा, 250 से ज्यादा इसका कलर चेंज हो जाएगा, और यहाँ लेस देन होगा 250 तो कलर आपका चेंज नहीं, ये हो जाएगा ग्रेश हो जाएगा। तो देखें, हमें यह 0 या 1 रिजल्ट देता है, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ट्रू है तो ये हो जाए, फॉल्स है तो ग्रेश हो जाए, राइट। ये हमारा इफ स्टेटमेंट है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं व्हाइल की। तो मैंने यहाँ लिखा है कि व्हाइल एक्स इज लेस देन विड्थ, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे भी मैंने बनाई है। एक्स की वैल्यू देखें इस वक्त 0 इसको असाइन किया है, और मैंने कहा एक्स इज लेस देन विड्थ, यानी ये इसकी विड्थ है 500 पिक्सल्स, राइट। तो क्या हो जाए, तो एक्स प्लस 20, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। व्हाइल लूप क्या होता है, ये आपको 0 से इंफिनिटी टाइम रिजल्ट देता है। इफ स्टेटमेंट आपको 1 टाइम है, देखें इफ, और यहां हम स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां लिखेंगे व्हाइल, और यहां हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट दोनों की सेम हो सकती है, यहां पे भी मैं लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल एक्स इज लेसर देन विड्थ, और यहां पे भी है एक्स इज लेसर देन विड्थ, लेकिन इसमें ह्यूज बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये आपको 0 या 1 टाइम रिजल्ट देगा, ये कंडीशन ट्रू है तो एक काम हो जाए, अदरवाइज दूसरा हो जाए। लेकिन व्हाइल लूप में ये कंडीशन ट्रू है, ये लूप आपका कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, राइट। तो ये 0 से इंफिनिटी टाइम आपका रन होता रहेगा। इसका क्या मीनिंग है कि ये लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती? देखिए, यहां से मैं बता देती हूँ आपको, ये है x इज लेसर देन विड्थ, लेस देन विड्थ मैंने लिखा है, और x की इनिशियल वैल्यू मैंने कहा इसको, हाँ देखें पहले इसको हम फॉलो करेंगे, क्या हो गया, यहां मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू x प्लस 20। x कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, राइट, और 0 इज लेस देन विड्थ, विड्थ क्या है इसकी 500, ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, 0 500 से छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने यहां मूव करना है इस सेकेंड पार्ट पे, तो हमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस 0 है इनिशियल वैल्यू प्लस 20, अब न्यू x की वैल्यू 20 हो गई। अब आप यहां लिखेंगे 20 इज लेस देन 500 क्योंकि विड्थ ये है, ये भी ट्रू है, तो आप यहां मूव हो जाए, अब नई x की वैल्यू है 20 और 20 इसमें ऐड हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 20 प्लस 20 x इज इक्वल टू 40। अब आप करेंगे कि 40 इज लेस देन 500 ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी आप इसको थर्ड स्टेप में यहाँ मूव होते रहेंगे। लेकिन जब हम ये काउंटिंग 20 प्लस 20 आप करते रहे, एक वक्त आएगा यहाँ 480 हो जाएगा, और 480 में 20 ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 500 इज लेस देन 500, तो ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये इक्वल है, फॉल्स हो जाए, राइट। 500 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 500, लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्या 500 लेस है 500 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब क्या है, अब आपने यहाँ नहीं जाना, आपका लूप एग्जिट हो गया,
अब इससे ब्रेक हो गया, आपका खत्म हो गया, तो ये लूप आपका जीरो से इंफिनिटी टाइम चलता रहेगा, राइट। इंफिनिटी का क्या मीनिंग है, ये होगा इंफिनिटी का, चले मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इससे आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा अगर वो इंफिनिटी आपने, हमने उसको ब्रेक करना होता है तो बहुत ध्यान से आपने कंडीशन लगानी होती है। एक्स इज लेस देन विड्थ, अब इसको हम रन करते हैं और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। फिर देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि इसी सिनेरियो को हम इफ लगा देंगे तो फिर देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या होता है। पहले हम वाइल से लगाते हैं कि वाइल पे आपने, हमने इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ इस छोटे से प्रोग्राम को और आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा। ये देखें ये क्या हुआ, पहले था 0 + 20, तो हमारे पास x की वैल्यू ये 20 थी, राइट। 20 यहाँ मैंने लिखा है, इलिप्स कहाँ बने, यहां से दिखा देती हूँ, इलिप्स कहाँ बने, x, x हमारे पास 0 था और ये 200 है, y एक्सिस पे यहाँ बन गया। फिर हमारे पास उसमें 20 ऐड हो गया, 40 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 80 हो गया, ये कंटिन्यू इलिप्स बनते रहेंगे जब तक के ये कंडीशन हमारी फॉल्स ना हो जाए। इसी सिचुएशन को, बिल्कुल इसी को मैंने कुछ बिल्कुल चेंज नहीं किया, इसको मैं इफ लगा के देखते हैं और मैंने क्या कहा कि इफ आपको एक दफा रिजल्ट देगा, इफ एक्स इज लेस देन विड्थ, अगर एक्स जो है वो विड्थ से कम है तो x में 20 ऐड हो जाएं, या 0 + 20 20 हो जाएगा और आपके पास एक बॉल आएगी। 20 पिक्सल्स यहां से हो गई और 200 यहां से हो गई, ये x और 200 जो लिखा है, और 50-50 क्या है, ये इसका डायमीटर है, राइट, तो इसलिए हमें ये सर्कल मिला है। सेम प्रोग्रामिंग है, मैंने सिर्फ इसको इफ लगाया और आपको दिखाया कि इफ में आपको वन टाइम रिजल्ट आता है जबकि आपको वाइल में कंटिन्यूस लूपिंग होती रहेगी जब तक कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। आगे चलते हैं, अब देखें इसी कंडीशन को, वाइल लूप को ही मैं फर्दर आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ, यहाँ मैंने लिखा x इज इक्वल टू 25, ये वही प्रोग्रामिंग है, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, मैंने यहाँ पे मैंने कह दिया इसको कि 25, पहले x हमारे पास 0 है, राइट, पहले ऐसी लाइन ड्रॉ होगी, मैं एक दफा फिर आपको बता देती हूँ। देखें ये हमारे पास कैनवस होगा और पहले हमारे पास 0 है, राइट, ये 0 हो गया हमारे पास और x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो इस पे ही हमारे पास आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू 25 हो गई और तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ऐसे ये लाइन आ जाएगी। इसको रन करते हैं ताकि आप देखें, इसको हमने यहाँ रन किया तो हमारे पास कैनवस पे एक लाइन आ गई, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि हमारा 25, देखिए 25 25 25 का डिफरेंस मैं दे रही हूँ, इसको गैप जो है एक दूसरी लाइन बनेगी, मैं कह रही हूँ एक दूसरी लाइन भी बन जाए तो वो 50 पे बन जाएगी। अब क्या है, एक मैंने आपके लिए और भी यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है कि फिर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 50 और ये लाइन ड्रॉ हो जाए। अब पहले 25 पे ड्रॉ हुई लाइन हमारी, अब हमारी लाइन कहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, अब हमारी 50 पे ड्रॉ होगी लाइन, 50 पिक्सल्स पे, x एक्सिस हमारे पास ये देखें 50 पिक्सल पे ड्रॉ हो गई। अब मैं कहती हूँ कि एक 75 पे भी ड्रॉ हो जाए और 100 पे भी ड्रॉ हो जाए, 125 यानी 25 का गैप हो, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी किया और हमने इसको यहाँ पेस्ट किया, फिर हमने इसको यहाँ पेस्ट किया, इस गैप को हम बनाते हैं 75 और इसको हम बनाते हैं 100, राइट। अब रन करते हैं तो हमारे पास 4 लाइंस आ जाएंगी। सिमिलरली मैं कह रही हूँ कि आपने इस पूरे पूरे जो हमारा कैनवस है इसको 25 के डिफरेंस से कंप्लीट करना है, तो कितने टाइम्स आप ये लिखेंगे, x ये लिखा, फिर लाइन लिखी, फिर x को 50 असाइन किया, फिर एक लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, तो यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं वाइल लूप, क्योंकि ये लूप कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसको हम एक कंडीशन दे देंगे कि जब ये कंडीशन हो जाए तो आप स्टॉप हो जाए, तो वो करने के लिए देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है आपके पास, ये वाइल while x is less than width, यानी इसकी width से जब ये छोटा कम हो जाए तो हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास क्या हो जाएगा, वो लूप ब्रेक हो जाएगा, राइट। और लाइन जो हमारे पास बनेगी वो कैसे बनेगी, x plus 25, यानी x की वैल्यू अभी हमारे पास 25 है, 25 plus 25 50 हो जाएगी,
फिर 50 + 25 = 75 हो जाएगी। जो मैंने बार बार लाइन की कमांड लिखनी है आपने वाइल लूप यूज कर ले। यहां से देखिए, यहां से यहां तक आपने लिखना है कि x इज इक्वल टू 25। इस गैप को आप चेंज भी कर सकते हैं, 50 कर लें, 70 कर लें, जो भी आपकी 10 कर लें, मैंने 25 लिखा है। तो जब तक ये कंडीशन चलती रहेगी x इज लेसर देन विड्थ, जब तक ये लाइंस बनती रहेंगी, जब तक कि ये 500 से देखें कैसे उसके इक्वल हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं और यहां पे इसको कॉपी करते हैं तो आपके पास ये बन गई, सारी लाइंस आ गई 25 के गैप से आ गई। देखिए पहले लास्ट स्लाइड में हमने क्या किया, कितनी दफा लाइंस लिखते हैं हम, कितनी दफा लाइंस की कमांड लिखते हैं और उसका हम ये लिखते हैं, पहले 25, 50, 75, 100, 125, so on। हमने यहाँ वाइल लूप इस्तेमाल कर लिया। इस वाइल लूप को आप 25 से शुरू कर लें, 25 + 20 50 हो जाएगा, फिर 50 + 25 = 75 हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा कि 500 इज लेस देन 500, जब भी ये फॉल्स होगी आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और आपके पास ये लाइन बन गई। कितना आसान कर दिया वाइल लूप ने हमारा काम। अब सेम, ये तो मैंने आपके पास वर्टिकल लाइंस बनाई थी, हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ जाएं। तो जो हमने एक्स एक्सिस पे प्रोग्रामिंग की थी उससे वाई इज इक्वल टू 25 व्हाइल वाई इज लेस देन हाइट, क्योंकि देखिए पहले हम बात कर रहे थे ऐसी लाइन थी हमारे पास वर्टिकल, तो ये यहाँ पे एंड होना था राइट, तो इसलिए तो हमारी विड्थ होती है, ऐसे हमारी विड्थ होती है, ऐसी हमारी हाइट होती है। तो जैसे ही वाई हाइट से लेस हो जाए, हाइट ये है, तो हमारे पास ये ब्रेक हो जाएगा लूप और ये लाइंस मैंने लिखी हैं कि ऐसे लाइन बनेगी आपकी 25 से स्टार्ट होगी और y प्लस 25 ऐड होता जाएगा। लेकिन ये सारा काम करने से पहले आपने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फ्लोट y इज इक्वल टू 0, अदरवाइज ये रन नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज तो हुआ नहीं, इसलिए आपने इसको भी करना है। अब हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम रन करवाते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। आप क्विकली सोचें कि इस प्रोग्रामिंग से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। दोनों अब हमारे पास ग्रिड बन गई, यानी वाई और एक्सिस और एक्स एक्सिस पे लाइन बन गई राइट। देखें कितना, अब आप इसको 50 कर लें, आप 75 करके इसकी वैल्यू चेंज करके भी इसकी सेटिंग में आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि अब देखें, ये तो मैंने 25 की स्पेसिंग मैंने यहाँ लिख दी थी कि इतनी होगी, गैप जो है 25 का है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने 25 नहीं लिखना, हम इसके लिए भी एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं कि गैप 25 है, तो जहां जहां x प्लस 25 लिखा था वहां आप गैप का वर्ड यूज कर लें, स्पेसिंग की हमें इतनी स्पेसिंग चाहिए। इसको हम रन करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये स्पेसिंग आप चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया है जो कि ऊपर मैंने लिख दिया है। अब क्या होगा, अब देखें वही चीज बनी, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा कि अब यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ नहीं मुझे तो ये 40 चाहिए, इसकी गैप जो है लाइंस में जो गैप है ये 40 पिक्सल्स होना चाहिए, तो आप सिर्फ यहाँ चेंज करेंगे, आपको बाकी जगह बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको रन कर देंगे तो आपके पास 40 पिक्सल्स पे आ गया राइट। तो ये वेरिएबल का बहुत ज्यादा फायदा होता है, आप इसको चाहे 50 कर लें, 60 कर लें, आप प्रैक्टिस करना आपका काम है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अब हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ मैंने लिख दिया void draw section में gap हो gap plus random right random values हो, तो इससे क्या होगा, ये हम random पहले भी सीख चुके हैं, देखें इससे हमारी प्रोग्रामिंग पे क्या असर होगा। अगेन क्विकली आप सोच सकते हैं जब तक ये रन हो, गैप है हमारे पास -1 और 1, देखें हमारी ग्रिड -1 और 1 डायरेक्शन में मूव होनी शुरू हो गई राइट। इसको आप चेंज भी करके देख सकते हैं, इसको हम अब कर लेते हैं -2 और 2 कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप इसको रन करके देखें, ये देखें राइट। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। व्हाइल लूप क्या होता है, कंटिन्यूस रन होता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और इफ स्टेटमेंट आपको एक दफा रन होती है और एक आपका रिजल्ट देती है, या ये, या अगर ट्रू नहीं है तो दूसरा इफ ये ले लो, या एल्स आपने ये काम करना है।
राइट, कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।